सो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, पर इतनी हैवी वर्कआउट करने लग रहे हैं। दिमाग में एक ही चीज बैठ गई है कि यार हैवी वर्कआउट करूंगा तो मेरी बॉडी बनेगी, क्योंकि वजन बढ़ाऊंगा तो बॉडी बनेगी। तो इस तरीके की वीडियो आपको मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस, बात कर रहा था हैवी वेट की। तो हैवी वेट क्या होता है, कैसे आपको सेट लगाने हैं, ये अगर आप नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, तो आपके मसल्स ग्रो नहीं करेगा। तो हैवी वेट के बारे में इस बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। मैं सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस मोटिवेशन। तो मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, फिटनेस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो भाई लोगों, ये वीडियो है आपके हैवी वेट के लिए। आप देखा होगा आपने जिम में बहुत लोग हैवी वेट कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, पूरा झूल रहे हैं, वेट को उठा रहे हैं, उनका सारा इफेक्ट, सारा शोल्डर बाइसेप की वर्कआउट कर रहे हैं, शोल्डर पे असर आ रहा है, पूरी बैक स्विंग कर रहे हैं, बैक भी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे लेग्स भी, पूरी बॉडी को सपोर्ट दे रहे हैं। पर जहां बाइसेप पे वर्कआउट, जहां पे असर होना चाहिए आपके बाइसेप के पार्ट पे, वहां पे 30% आ रहा है, 70% आपके इधर उधर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी वेट है। हैवी वेट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा लो और जब वो आपसे लगे भी ना, आप लगा लो, आप लगा रहे हो, एक दो रैप्स लगा रहे हो, पर वो आपको लग रहा है कि मैंने इतना भारी वेट उठा लिया। उठाना नहीं है वर्कआउट, हैवी वेट भी लगाना है तो एटलीस्ट आपको मसल्स में फील होना चाहिए, तो अदरवाइज वो हैवी वेट किसी काम का नहीं है। सो वीडियो बनाने का रीजन यही है कि हैवी वेट तो करते हो फिर भी वजन साइज नहीं बढ़ रहा है, तो यही वजह है, गलती यही कर रहे हो कि वर्कआउट करना चाह रहे हो। तो उसमें आपको, जब तक आपका मसल सही से हैवी वेट पे कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तब तक उसका वेट का फायदा नहीं है। तो आप इस चीज को समझोगे तभी ये चीज कर पाओगे आगे। तो आप नेक्स्ट टाइम, आप ये ध्यान, आप बहुत लोग देखते होंगे जिम में बहुत हैवी वेट उठाते हैं, सही से पोस्चर नहीं है, सही फॉर्म नहीं है, तो वो यूजलेस है, मतलब वर्क कोई किसी काम का नहीं है, वो कहीं ग्रो कुछ नहीं करेगा और इंजरी आपको और करा देगा। तो वेट वो उठाएं जिससे आपके 4 से 6 रैप्स सेल्फ तरीके से लग जाए, अदरवाइज आप 2 रैप्स निकाल रहे हैं, बहुत हैवी है, उससे बॉडी नहीं बनने वाली है। 1-2 रैप से बॉडी नहीं बनती, आपको समझना पड़ेगा। बॉडी बनती है एक करेक्ट वर्कआउट से, एक अच्छे वर्कआउट से, अच्छी डाइट से, एक अच्छे स्लीप से। ये चीजें आप जब तक नहीं करोगे, और कंसिस्टेंसी वेरी जो इंपॉर्टेंट जो की है बॉडी बनाने की, वो कंसिस्टेंसी है। 3-6 महीने में आप सोचते हो कि यार बॉडी नहीं बन रहे और छोड़ देते हो वर्कआउट, तो ये नहीं करना है। आप सही से वर्कआउट करो, 4 सेट करो, लास्ट वाले जो हैवी कर रहे हो उसको सही से परफॉर्म करो, और बेस्ट प्रोटीन डाइट लो, अच्छी डाइट लो, प्रॉपर अपनी बॉडी को स्लीप दो, यानी आप ठीक से सो, क्योंकि रिकवर नहीं हो, 8 घंटे की स्लीप नहीं लोगे तो यार बॉडी रिकवर नहीं होगी, रिकवर नहीं होगी तो ग्रो नहीं करेगी। तो बहुत सारे फैक्ट्स का डिपेंड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि खाली स्लीप करने से बॉडी बन जाएगी या वर्कआउट करने से, डाइट से, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। आप जब लगातार आप करते रहेंगे, एफर्ट डालते रहेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो लोगों के लिए थी जो बहुत हैवी करते हैं, गलत करते हैं, तो ऐसा भाई लोग ना करें। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा, और मेरे से इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।